आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूँ अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन की शुरुआत राम राम कहकर किया। पीएम ने कहा कि मेरठ वीरों की धरती है, इस धरती पर बाबा अमरनाथ का आशीर्वाद है, इसने चौधरी चरण सिंह जैसा सपूत दिया, भारत सरकार को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला, यहीं से 2014 में मैंने शुरुआत की थी, 2024 में भी यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। यह सरकार बनाने या संसद चुनने का चुनाव नहीं है। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आज विपक्षी इंडी गठबंधन ने महारैली कर भाजपा पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर कई पार्टियों ने केंद्र पर सरकारी एजेंसियों का गलत उपयोग करने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर विपक्षी पार्टियों को खत्म करने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरएसएस भाजपा गठबंधन को जहर बताते हुए कहा कि इसने देश को बर्बाद कर दिया है। खड़गे ने सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने का आह्वान भी किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में आयोजित इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ महारैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि अगर भाजपा अपने प्रयासों में सफल हो गई तो देश का संविधान बदल दिया जाएगा और लोगों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें घर जाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। सेना ने मिसाइल परीक्षण का एक वीडियो भी जारी किया है। इस परीक्षण के बाद जाहिर तौर पर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है। आकाश मिसाइल प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने बनाया है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। कच्चा थिरू द्वीप को लेकर देश में सियासत शुरू हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बयान के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बता दें कि साल 1974 में एक मैत्रीपूर्ण समझौते के तहत इंदिरा गांधी की सरकार ने कच्चा थिरू द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। इसी को लेकर पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पर हमला किया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बीबी नवरत्ना ने राज्यपालों को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने हैदराबाद के NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्यपालों को संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। नवरत्ना ने आगे कहा कि हाल की प्रवृत्ति यह रही कि किसी राज्य के राज्यपाल या तो विधेयकों को मंजूरी देने में चूक या उसके द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यों के कारण मुकदमेबाजी का मुद्दा बन रहे हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के कार्यों का चूक संवैधानिक अदालतों के समक्ष विचारणार्थ लाना संविधान के तहत एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि रूस भारत और अन्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी यह टिप्पणी मॉस्को के पास एक कंसर्ट में कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले के बाद आई है। इस हमले में 144 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ बड़ा सड़क हादसा स्कॉर्पियो रेलवे क्रॉसिंग के खंभे से टकराई, एक ही परिवार के चार लोगों की गई जान। बताया जा रहा है कि देहरादून के तिलक रोड निवासी यश रस्तोगी स्कॉर्पियो से अपने परिवार के साथ मुरादाबाद रिश्तेदारी में जा रहे थे, जहां काट के रसूलपुर रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग के पास आज सुबह वाहन खंभे से टकरा गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने घोषित किया बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, जहां 82.91% स्टूडेंट हुए पास। वहीं शिवांकर कुमार ने राज्य में किया टॉप। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट BSEMBmatric.org और result.biharboardonline.com पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बता दें कि इस वर्ष शिक्षा विभाग की ओर से टॉप करने वाले स्टूडेंट को 1,00,000 रुपए, द्वितीय स्थान पर आने वाले अभ्यर्थी को 75,000 रुपए एवं तृतीय स्थान पर आने वाले छात्र को 50,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान पर विपक्षी दलों की महारैली के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने मंच पर सीएम का संदेश पढ़कर सबको सुनाया और उन्हें शेर बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई भी जेल ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकती। पंजाब प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस के नेता ने आज रामलीला मैदान में जाकर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में
रैली को संबोधित करने से पहले यह भी नहीं सोचा कि वह सबसे भ्रष्ट व्यक्ति के समर्थन में खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अभी कई कांग्रेसी नेताओं को किसी न किसी आरोप में फंसाकर जेल में डाला हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी के भवानी खेड़ा में विजय संकल्प यात्रा रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर एक के बाद एक कई हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 2014 व 2019 की तर्ज पर हार का डर सता रहा है, जहां सीएम सैनी ने जनता से देश की 10 में से 10 लोकसभा सीटें जिताने के लिए जनता से अपील की। देहरादून के पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र की एक युवती की उसी के प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपित सब को एक सूटकेस में बंद करके आशा रोड़ी के जंगल में फेंक कर फरार हो गया, जहां 3 माह बाद हत्या के मामले से पर्दा उठा। पुलिस ने आरोपित राशिद निवासी बागोवाली थाना नई मंडी जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को अब गिरफ्तार किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी आज इडनी गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए रामलीला मैदान पहुंची, जहां रैली में शामिल होने से पहले कल्पना ने कहा था कि हम अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस माध्यम से लोगों से अपील है कि आप अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आएं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में लोह अयस्क से भरे 4 ट्रकों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। ये सभी ट्रक एक निजी खनन कंपनी के थे। नक्सलियों ने पहले हथियार के दम पर ट्रक के ड्राइवरों को नीचे उतारा, फिर ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के घाट पिंडरई में वंदे भारत ट्रेन के पहिए अचानक थम गए। पहिए उस वक्त जाम हो गए जब सी फाइबर OH ब्रेकेज तार टूट कर नीचे गिर गया। तेज चिंगारी के साथ ही तार जमीन पर नीचे आ गिरी, जिससे रेल यातायात प्रभावित हो गया। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है, जहां भाजपा में टिकट न मिलने के बाद अब कांग्रेस में नेता संभावनाएं तलाश रहे हैं। वहीं चुनावी बेला में कांग्रेस ने भी अगर बागियों को टिकट दे दिया तो कांग्रेस में विरोध होना तय है। वहीं शिमला संसदीय सीट से अब तक 16 नेताओं ने टिकट के लिए पार्टी को आवेदन दिया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के चिनौरी लद्दाख संपर्क मार्ग खारंगला में खाई में कार गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें चालक की मौत हो गई जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। केंद्र सरकार ने CA बिल लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद विपक्षी नेताओं द्वारा लगातार इस बिल का विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने CA और NRC लागू करने को लेकर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल में CA और NRC लागू नहीं किया जाएगा। ओडिशा से कांग्रेस के पूर्व विधायक चिरंजीव बिस्वाल आज BJP में शामिल हो गए। चिरंजीव अपने समर्थकों के साथ संघ भवन में सांसद स्मित पात्र और मानस रंजन, मांगराज प्रवक्ता प्रियव्रत मांझी प्रमुख की मौजूदगी में BJP में शामिल हुए। NCP शरद गुट की उम्मीदवारी और बारामती से मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले ने दावा किया कि उनकी भाभी और राकंपा अजित पवार गुट की उम्मीदवार सुमित्रा पवार से उनकी कोई लड़ाई नहीं है। यह दो परिवार के सदस्यों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह विचारधारा की लड़ाई है। सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग T20 मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 162 रन बनाए। अब गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 163 रन बनाने होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे, जहां शाह का जयपुर हवाई अड्डा पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व अन्य लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आज 5 लोकसभा क्षेत्रों दौसा, करौली, धौलपुर, नागौर, चुरू और झुंझुनू के पार्टी नेताओं के साथ बैठक में शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। पपीता एक बेहद स्वादिष्ट फल है, जिसमें कई विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें मौजूद पेपिन नाम का एंजाइम सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। इसके अलावा पपीते को सुबह के समय खाली पेट खाने से भी काफी लाभ मिलता है। यह काफी मीठा और जूसी होता है, जिससे इसे खाकर आप काफी फ्रेश भी महसूस करते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ने ऑफिसर ग्रेड 1 असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट IFCA.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, इसलिए हमसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सके अपडेट।